150 शब्द प्रति मिनट की गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री समाज के विभिन्न वर्गों को अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित करने के लिए आजकल कई प्रलोभन दे रहे हैं। अपने वर्तमान कार्यकाल के अंतिम चरण में उन्हें अचानक सत्ता जनता तक पहुंचाने, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सरकारी सेवाओं में उनके लिए 40% स्थान आरक्षित करने, आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने जैसे प्रगतिशील कदमों का ध्यान आया। अपने प्रथम कार्यकाल के अंतिम दौर में जो नारे वे बुलंद कर रहे हैं उनसे यही लगता है कि अगले आम चुनावों को ध्यान में रखकर ही वे ऐसा कर रहे हैं। पंचायतों को अधिक अधिकार देने के उद्देश्य से तुरतापूर्ति में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है और अब शहरी स्वायत्तशासी संस्थाओं के संबंध में भी कानून बनाने की वे जोर शोर से चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि इन बुनियादी महत्व के विषयों पर पिछले 4 वर्षों तक विचार क्यों नहीं किया गया। प्रधानमंत्री क्या वास्तव में पंचायतों और शहरी स्वायत्तशासी संस्थाओं को अधिक गतिशील व सक्षम बनाना चाहते हैं या फिर इन कानूनों के जरिए इन संस्थाओं में केंद्र का सीधा दखल करना चाहते हैं। हाल ही आंध्र प्रदेश के अपने दौरे के समय प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि अब गरीबों को चावल सीधे पंचायतों के मार्फत दिया जाएगा। क्या ऐसा करना संघीय व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होगा? राज्य सरकारें जब भी जनादेश लेकर बनती हैं और यदि उनके कामकाज में केंद्र का परोक्ष या प्रत्यक्ष दखल रहा तो क्या यह जनमत का निरादर नहीं होगा? चुनाव आने वाले हैं, प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी की ओर से जनता के सामने नए कार्यक्रम रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन वे जिन नीतियों के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ कहते हैं उनकी क्रियान्विति के संबंध में भी जनता को आश्वस्त करना ही होगा। क्या प्रधानमंत्री यह मानकर चलते हैं कि सत्ता जनता के हाथों सौंपने का उनका नारा अगले चुनाव तक क्रियान्वित हो सकेगा? जैसी पंचायती राज व्यवस्था वे चाहते हैं वह देश में लागू हो सकेगी? क्या महिलाओं के लिए 40% आरक्षण के वायदे को पूरा करा सकेंगे? क्या जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार की मांग को पूरा कर सकेंगे? श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी हर चुनाव के पहले कोई ना कोई लुभावना नारा दिया, जनता के सामने रखा था, लेकिन न तो देश से गरीबी का उन्मूलन ही हुआ और न समाजवादी रचना की तरह देश एक इंच भी आगे बढ़ पाया। जनता को सत्ता सौंपने का नारा दिया जा रहा है, लेकिन असलियत में राज्य सरकारों को कमजोर करके पूरी आर्थिक शक्ति को केंद्रित करने की बात व्यवहार में दिखाई दे रही है। योजनाएं बनाने के काम को विकेंद्रित करने की बात प्रधानमंत्री पिछले 2 वर्षों से कह रहे हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचा गया कि क्या जो हालात देश में हैं उनके आधार पर प्रधानमंत्री की यह बात कभी क्रियान्वित हो सकेगी? क्या पंचायतों के पास अपनी आवश्यकताओं व साधनों का आकलन करने की मशीनरी व साधन उनके पास हैं? हालात तो ये हैं कि पंचायतों के पास न कोई वित्तीय साधन है और न ग्रामीण विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक मशीनरी ही उनके पास है। सबसे बड़ी आवश्यकता तो यह तय करने की है कि देश के आर्थिक विकास के लिए क्या नीति अपनाई जाए। क्या देश को ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो सर्वनाशों की हो? क्या आधुनिकतम कल कारखानों से लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है? क्या बढ़ती आबादी के लिए वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराए बिना गरीबी उन्मूलन हो सकता है? देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात की जाती है। देश 21वीं सदी में तो अवश्य जाएगा, लेकिन
क्या वह इन्हीं हालात में जाएगा जब तक सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी अपनी नीतियों के संबंध में स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं बनाती, व्यवहारिक कदम नहीं उठाती, देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों का निर्धारण नहीं करती, तब तक ये नारे नारे ही बने रहेंगे। कब तक देश के गरीबों को लुभावने नारे देकर अपने पक्ष में किया जा सकेगा, यह भी एक विचारणीय मुद्दा है। पिछले 40 वर्षों के नियोजित विकास का जायजा लेना जरूरी है और उसी जायजे के आधार पर नीतियों का पुनः निर्धारण करना होगा। जो धन विभिन्न योजनाओं पर खर्च किया गया है उसका आम लोगों की आर्थिक हालत पर क्या असर हुआ है, क्या पूंजी का विकेंद्रीकरण हुआ है, क्या भूमिहीन कृषकों व छोटी जोत वाले किसानों के लिए कोई वैकल्पिक रोजगार के साधन पैदा हुए हैं। यदि ऐसा नहीं हो सका है तो योजना की प्राथमिकताओं को बदलना होगा। देश के साधनों के अनुरूप पूरी व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। इतना बड़ा देश जिसमें विपुल प्राकृतिक साधन हो और उनके दोहन के लिए पर्याप्त मानव शक्ति को वह भूल कैसे रहा है, यह सोच विचार की बात है।